मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने स्पेरा गैंग के दो लुटेरे किए गिरफ्तार। उनके पास से लूटी गई अंगूठी भी बरामद, जो कि सोने की थी। साथ में दो सांप भी बरामद, जिनके माध्यम से देते थे वो धमकी। दिल्ली पुलिस ने आज दोपहर को सोमवार के दिन 2:53 पर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने स्पेरा गैंग के दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है गगन, जिसकी उम्र 19 साल है, और इसके पिता का नाम बिरजू नाथ है, इंदिरा विकास कॉलोनी का ये रहने वाला है। दूसरे आरोपी का नाम गौतम है, जिसकी उम्र 22 साल है, इसके पिता का नाम राजेश है, यह इंदिरा विकास कॉलोनी क्षेत्र का ही रहने वाला है। मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने एक लूट के केस को हल करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक सोने की अंगूठी और दो सांप बरामद किए हैं। उन सांप के द्वारा ये पीड़ित को देते थे धमकी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें एक लूट की घटना की जानकारी मिली थी, शिकायत मिली थी मुखर्जी नगर एरिया से, और उसमें FIR दर्ज की गई थी। उसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की गई थी। शिकायतकर्ता का नाम अक्षत था, और अक्षत ने बताया था शिकायत में कि उसकी सोने की अंगूठी लूट ली गई है किंग्सवे कैंप की तरफ से, जो कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता मुखर्जी नगर थाना के अंदर, और उसे दो सांप दिखाकर धमकी देकर अंगूठी को लूटा गया है। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, टीम बनाई गई, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने अपने सोर्सेज को डेवलप किया, और इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन लोगों तक वे पहुँचे जो सांप का प्रयोग करते थे, और टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए पुलिस ने आखिरकार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है कि पहले भी इन्होंने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनमें एक शख्स का नाम गौतम है तो दूसरे का गगन।